माय नेम इज व्योम सोनी, खुद तो लिया होगा। सो तालियां बजाओ सबको। आज मैं अपनी कुछ पोएट्री सुनाऊंगी और अमृता प्रीतम की जो फेमस कविता है मैं जिन फेर मिला थी वो सुनाऊंगी। सो ये जो शायर लोग होते हैं ना, शायर दिल के हारे हुए, जितना लिखते हैं उससे कहीं ज्यादा छुपाते हैं। तो अर्ज किया है, जब हम यार की बेवफाई पे लिखते हैं, जब हम यार की बेवफाई पे लिखते हैं, अमूमन हम तन्हाई पे लिखते हैं। और गजलों में सब है, और गजलों में सब है, बस उसका नाम नहीं। परछाई पे लिखते हैं। तालियां बजाओ। ये जो लव्स होते हैं ना, वो किसी भी रिश्ते के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। रिश्तों का बनना बिगड़ना टूटना संवरना ये सब लफ्जों का ही खेल है। तो अर्ज क्या है, लफ्जों का इंतखाब जरा हिफाजत से कीजिए, लफ्जों का इंतखाब जरा हिफाजत से कीजिए, रिश्तों को बनते बनते एक उम्र लगा करते हैं। इतनी एनर्जी मेरी है ना, उतनी तालियों की एनर्जी नहीं है वैसे। ये जो आजकल की सोसाइटी है बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, आप लोगों ने भी फेस किया होगा, हमने भी फेस किया होगा। स्पेशली फॉर इमोशनल पीपल, वो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आपकी जरूरत होती है इट्स ओके, अदरवाइज आपको चाय में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। तो उस पे लिखा है, कत्ल कर दो मुझे, नहीं आते अंदाज जमाने वाले, कत्ल कर दो मुझे, नहीं आते अंदाज जमाने वाले, घोप दो सीने में तुम मेरे ख्यालात पुराने वाले, घोप दो सीने में तुम मेरे ख्यालात पुराने वाले, काट दो जुबा मेरी, काट दो जुबा मेरी, और सुन मिल जाएंगे झूठ सुनाने वाले। इट्स अ क्वेश्चन, किसी को यूं ही भूल जाना पॉसिबल होता है क्या? और कुछ रिश्तों की यादों का पिटारा तो हमेशा ही ओवरफ्लो करता रहता है। मुझे नहीं पता समझ आया कि लोग भूल कैसे जाते हैं। मैं तो मतलब अगर किसी के साथ आपकी मेमोरीज है, सम ब्यूटीफुल मेमोरीज, यू कैन नेवर फॉरगेट दैट। तो उस पे लिखा है, कौन भूल पाया है जिंदगी के खूबसूरत लम्हे, कौन भूल पाया है जिंदगी के खूबसूरत लम्हे, हर शख्स के पास कुछ पुरानी तारीखें होती हैं। मुझे अक्सर महसूस होता है कि रिश्तों को समझने में, खासकर प्रेम के रिश्ते को समझने में, इंसान और भगवान दोनों ही चूक जाते हैं। प्रेम को परिभाषित करना संभव नहीं है, प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम अनंत है। तो इस पे मैंने लिखा है, मैं वही मिलूंगी, मैं वही मिलूंगी जहाँ छोड़ा था तुमने, उस मोड़ पर तो नहीं शायद, मगर बेशक उसी रास्ते पर कहीं मैं वही मिलूंगी। शाम की राधा सी तो नहीं, शाम की राधा सी तो नहीं, हाँ मीरा के अभिमान सी, हिजर की पीड़ा में गुमनाम सी, मैं वही मिलूंगी जहाँ छोड़ा था तुमने। कभी कोई सुने तो हम भी सुने,
कभी कोई सुने तो हम भी सुनाएंगे, दिल के हर जज्बात रो रो के बताएंगे। कभी कोई सुने तो हम भी सुनाएंगे, दिल के हर जज्बात रो रो के बताएंगे। पता ही नहीं चला कब दिल के सपने रंगीन हो गए और हम धीरे धीरे खुद से दूर और उनके करीब हो गए। वो एक शख्स मुझको मेरे होने का एहसास दे गया, वो एक शख्स मुझको मेरे होने का एहसास दे गया, वो एक शख्स मुझे मेरी हर खुशी का अक्स दे गया। जरा सी अहमियत क्या दी खुद को हीरा मानने में लगे, जरा सी अहमियत क्या दी खुद को हीरा मानने लगे, कांच के टुकड़े भी क्या क्या वहम पालने लगे। बेशक ख्वाब ही था पर हसीन दे गया। तो हम भी सुनाएंगे, दिल के हर जज्बात रो रो के बताएंगे। अब मैं आपको, आप सब लोगों ने होपफुली अमृता प्रीतम जी का नाम सुना होगा। अमृता प्रीतम जी 1919 में गुजरांवाला जो पाकिस्तान में है वहाँ बॉर्न हुई थी और 2005 में उनका डेथ हुआ था। तो इनका एक लव स्टोरी है साहिर लुधियानवी जी, अमृता प्रीतम एंड इमरोज। साहिर लुधियानवी जी जो लिरिसिस्ट हैं, बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, आपको नहीं है, और अमृता प्रीतम और इमरोज, इमरोज इज अ पेंटर। तो क्या था कि इन तीनों का एक अफेयर, तीनों एक दूसरे से प्यार करते। अब मैंने अपनी लाइफ में अभी तक इतनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी कहीं नहीं पढ़ी। तो मैं सीधा ही आपको इनकी पोएम सुना देती हूँ। तो इन्होंने ये लिखती है कि अमृता ने अपने रिलेशन को साहिर और लुधियानवी जी और इमरोज से कैसे एक्सप्रेस किया कि साहिर मेरे लिए खुला आसमान है और इमरोज मेरे घर की छत। तो उन्होंने अपने अंतिम दिनों में इमरोज जी के लिए एक पोएम लिखी थी जिसका नाम है मैं तेनु फेर। मैं आपको वो सुना, मैं तेनु फेर कितने किस तरह पता, शायद तेरे तखेल दी चिंगारी बन के तेरे किनवास ते उतरांगी या खौरे तेरे किनवास ते उत्ते एक रहस्यमय लकीर बन गई खामोश तेन तकदीरां, जा खौरे सूरज दी लौ बन के तेरे रंगा विच खुलांगी या रंगा दियां बावां विच बह के तेरे किनवास नूं लभांगी, पता नहीं किस तरह कित्थे पर तैनूं जरूर लभांगी, जा खौरे एक चश्मा बणी होवांगी ते जिवें झरनियां दा पानी उड़दा पानी दी बूंदा मैं तेरे पिंडे ते मलांगी ते तेरे छाती दे नाल लग के एक ठंडक जी बनांगी। मैं होर कुछ नहीं जानदी पर इन्ना जानती हाँ कि वक्त जो भी करे एक जन्म तू मेरे नाल लगेगा। ए जिस मुकदा है ते सब कुछ मुक जाता है बस चेतना दे ताके कायनाती करण होंगे, मैं ओड़ा कड़ा नू चुकागी ते तेन फेर मिलागी, मैं तेन फेर मिलागी कितने।